दिल्ली में भीषण जल संकट बरकरार, टैंकर के जरिए अलग अलग इलाकों में पहुंचाया जा रहा पानी। बिहार के समस्तीपुर में नदी में नहाने के लिए गए 5 बच्चे डूबे, 3 की मौत, 2 बच्चों को बचाया गया। ग्वालियर के बाल संप्रेक्षण गृह से 5 बाल अपचारी टॉयलेट का रोशनदान तोड़कर भागे, 4 पर चोरी और 1 पर हत्या का आरोप। लखनऊ में शातिर लुटेरा और 35,000 का इनामी राजीव श्रीवास्तव पुलिस मुठभेड़ में घायल, मई महीने में एक व्यापारी से की थी 3.5 लाख रुपए की लूट। पुणे पौश केस में नाबालिग आरोपी के पिता और दादा पर एक और केस, एक व्यापारी के बेटे को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप, पुलिस ने दादा पिता समेत 5 लोगों पर किया केस दर्ज। पुणे के शनिपर इलाके में गर्ल्स पीजी में लगी आग, 1 की मौत, 42 लोगों को रेस्क्यू किया, दमकल कर्मियों ने पाया काबू। महाराष्ट्र के भिवंडी में प्रत्येश कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, धू-धू कर उठी लपटे, आसमान में उठा धुएं का गुबार। बिहार के लखीसराय में पैसेंजर ट्रेन में लगी आग, देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। बाराबंकी के प्राचीन मंदिर में मां दुर्गा की प्रतिमा की गई खंडित, हिंदू संगठनों ने जताया विरोध, पुलिस प्रशासन ने विधिवत पूजा करवाकर स्थापित करवाई नई मूर्ति। हापुड़ के 6000C टोल प्लाजा पर कार ने टोल कर्मी को मारी टक्कर, घायल को अस्पताल में कराया गया भर्ती, घटना का सीसीटीवी वीडियो आया सामने। राजस्थान के दौसा में सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी, 20 लोग घायल, 4 धाम की यात्रा करके भीलवाड़ा लौट रहे थे यात्री। जयपुर में डबल मर्डर और एक आत्महत्या से मचा हड़कंप, झोटवाड़ा इलाके में दिल दहला देने वाली वारदात, चाचा ने अपने भतीजे और भतीजी की हत्या की, भाभी को किया घायल। वारदात के बाद आरोपी चाचा ने ट्रेन के आगे कूद कर दी जान। एमपी के इंदौर में एक शराब की दुकान में लगी आग, दमकल की गाड़ियों ने पाया काबू। बाड़मेर के सोनड़ी गांव में एक तस्कर के घर पर पुलिस की दबिश, छापेमारी के दौरान बड़ी संख्या में डोडापोस्त, अफीम, दूध और अफीम बरामद, पुलिस ने 4 लोगों को किया गिरफ्तार। असम के कछार में पुलिस ने 8.5 करोड़ रुपए की 1.7 किलोग्राम हेरोइन जब्त की, पुलिस ने एक तस्कर को किया गिरफ्तार। तमिलनाडु के थिथुकुड़ी में फिश सेल समेत 2 लोगों की हत्या, पुलिस ने केस दर्ज कर शुरू की जांच, कोविलपट्टी वेस्ट पुलिस थाना इलाके की घटना। मणिपुर में बाढ़ बारिश से हालात खराब, गवर्नर अनुसुईया उइके ने इम्फाल ईस्ट के रिलीफ कैंप का किया दौरा, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, राहत सामग्री भी बांटी। कर्नाटक सरकार ने अगले आदेश तक फिल्म हमारे 12 पर लगाया प्रतिबंध, सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका के आधार पर लगाया बैन। तमिलनाडु के कांचीपुरम में वैकासी ब्रह्मोत्सव का 7वां दिन, भगवान वैकुंठ पेरुमल की रथ यात्रा में बड़ी संख्या में जुटे भक्त।